कोविड-19 महामारी से उत्पन्न लॉकडाउन अवधि में विभिन्न जोन में आच्छादित जनपद में स्थित न्यायालय को क्रियाशील करने के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा दिशा निर्देश निर्गत किया गया है। जनपद गोरखपुर केंद्र सरकार जारी वर्गीकरण के अनुसार ऑरेंज जोन से आच्छादित है। जनपद गोरखपुर के न्यायालय को 8 मई से विभिन्न शर्तों के अधीन क्रियाशील किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए जनपद एवं सत्र न्यायाधीश गोविंद वल्लभ शर्मा ने कहा कि न्यायालय का पूर्ण रूप से स्वच्छीकरण एवं न्यायालय परिसर की साफ सफाई कराई जाएगी। न्यायालय परिसर में 10% से अधिक कर्मचारियों का प्रवेश वर्जित है। न्यायालय में संबंधित फौजदारी लिपिक, आसुलिपिक एवं एक कार्यालय प्यून ही न्यायालय में उपस्थित रहेंगे। पीठासीन अधिकारियों द्वारा लंबित एवं फ्रेश अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्रों की सुनवाई की जाएगी। साथ ही विचाराधीन कैदियों का रिमांड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा। जनपद न्यायाधीश गोविंद वल्लभ ने बताया कि अति आवश्यक मामलों में दाखिला हेतु जिला न्यायालय में एक ईमेल gorakhpurfilling@gmail.com सृजित किया गया है, जिस पर अधिवक्ता अपनी जमानत प्रार्थना पत्र एवं अग्रिम जमानत प्रार्थना के साथ साथ लिखित बहस दाखिल करेगा। उन्हीं अधिवक्ताओं को न्यायालय परिसर प्रवेश की अनुमति होगी जिनका प्रार्थना पत्र सुनवाई हेतु काज लिस्ट में दर्शित किया गया है, और ऐसे सभी अधिवक्ता इस संबंध में नव स्थापित वर्चुअल कोर्ट रूम में उपस्थित होंगे। जनपद न्यायाधीश ने बताया कि समस्त सूचना को वेबसाइट एवं मीडिया में प्रचारित किया जाएगा। वादकारी को न्यायालय परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।